वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में एक फौजी जवान शहीद हो गया, एक दहशतगर्द भी फौज ने हलाक कर दिया है। 2 से 3 दहशतगर्दों के घिरे होने की खबर थी। कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जवान के शहीद होने की खबर यहां पर सामने आ रही है इस एनकाउंटर में। तो वहीं एक दहशतगर्द को भी हलाक किया गया है। 2 से 3 दहशतगर्द के घिरे होने की खबर थी इसमें। और कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में ये मुठभेड़ कल शाम से ही जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैदी के साथ डटी हुई हैं। दहशतगर्दों से लोहा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और उसी के मद्देनजर एक कामयाबी जरूर हाथ लगी है। एक दहशतगर्द को ढेर किया गया, लेकिन एक फौजी के भी शहीद होने की खबर यहां सामने आ रही है और लगातार यहां कोशिश की जा रही है दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके, उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके। लगातार जो वादी में वारदातें हैं दहशतगर्दी की, वो बढ़ रही हैं और उन्हीं पर लगाम लगाने के लिए यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, क्योंकि और भी ऐसे दहशतगर्द हो सकते हैं जो अभी वहां जंगलों में छुपे हो सकते हैं। तो उन्हें ढूंढने की ये जो कवायद है ये जारी है कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जा सके और उन्हें उनके इंतकाम तक यहां पर पहुंचाया जा सके। कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में ये मुठभेड़ कल शाम से ही जारी है और अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए यहां पर अहम कदम उठाए जा रहे हैं। कई तकनीकों का भी इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों तक पहुंचा जा सके। दहशतगर्दी पर लगाम लगाने के लिए लगातार स्ट्रैटेजीज भी बनाई जा रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन उसके बावजूद भी जो दहशतगर्द हैं वो अपने मंसूबों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर सिक्योरिटी फोर्सेस भी डटी हुई हैं और जवानों को तैनात किया जा रहा है चप्पे चप्पे पर ताकि ये अपने मकसद को पूरा ना कर सकें। और उसी के चलते ये एनकाउंटर भी कल देर शाम शुरू हुआ, जिसके बाद अभी तक ये एनकाउंटर जारी है और इस एनकाउंटर में एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं एक दहशतगर्द को भी ढेर किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दहशतगर्द अभी भी छुपे हो सकते हैं, 2 से 3 इनकी तादाद हो सकती है और उन्हें ढूंढने के लिए कोशिश की जा रही है जवानों की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि सर्च ऑपरेशन चलाया गया जम्मू कश्मीर में और कई आतंकियों को ढेर भी किया गया था उस दौरान, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए एक बार फिर से कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए कि जो दूसरे और आतंकी हैं उन्हें भी पकड़ा जा सके, उन्हें भी ढेर किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये किस तंजीम से हैं, किसके कहने पर यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे नुमाइंदे बीए सागर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बीए सागर, तो इनकाउंटर क्या अभी भी जारी है वहां पर, अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, जरा मैं बता चलूं, कल रात की अगर हम बात कर रहे हैं पूरी तफसील के साथ, मैं आपको बताता चलूं कि कल शाम यहाँ पे कोपवाड़ा का जो लोलाब इलाका है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिले थे इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी है। उसके बाद अगर हम बात करें, पहले सर्च ऑपरेशन चला गया, सर्च ऑपरेशन फिर इनकाउंटर में तब्दील हुआ। काफी देर तक गोला बारूद वहां पे गोलाबारी हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली, तो शाम देर गए थे, फिर रात के वक्त इनकाउंटर को रोकना पड़ा। लेकिन सुबह पहले मारने की बात करें वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सर्च ऑपरेशन के दौरान फिर से एक बार फायरिंग का सिलसिला जो है वो दोबारा देखने को मिला, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट और एक फौजी की मारे जाने की अभी तक जो खबर है, और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला जारी है। जरा मैं बताता चलूं, ये शुमाली कश्मीर बारामूला का जो इलाका है, पहले केरन की बात करें वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 दिन में 5 मिलिटेंटों को मारा गया है। आज फिर से यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, एक मिलिटेंट अभी तक मारा गया है और इलाके में पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरे इलाके को कार्डन ऑफ में लिया गया है।